हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। फ्रेंड तो मैं अभी दिल्ली के दोस्तों दिल्ली में मैं घूमने आया हूँ दोस्तों, अक्षरधाम में। दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ का मंदिर है दोस्तों, अक्षरधाम का। देखिए वहाँ पर पीछे हमारे दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मंदिर है दोस्तों। मैं उसमें घूमने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं सोचा हूँ कुछ यहाँ पर ब्लॉग शूटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ बहुत ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने, मैं भी आया हूँ दोस्तों। तो अंदर चल कर देखते हैं दोस्तों, जा रहे हैं अंदर। अंदर का भी व्लॉग बनाऊंगा दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों, व्लॉग में पूरा बने रहिए। तो आप तभी आप जान पाएंगे दोस्तों, अंदर बहुत ही प्रकार का मंदिर बनाया गया है दोस्तों, बहुत ही भगवान लोग का मंदिर स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, और रहा अक्षरधाम का दोस्तों मंदिर, यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है दोस्तों। हम अभी चल रहे हैं दोस्तों, अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अभी जाने में बहुत समय है दोस्तों, देखिए हम जा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुका है, वो प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल लेकर दोस्तों अंदर नहीं प्रवेश करना है, मोबाइल बाहर ही रख देना है दोस्तों। मोबाइल ही नहीं दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होता है जैसे मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, जितना भी सामान होता है दोस्तों उसको बाहर ही लिख कर दोस्तों यहाँ पर जमा कर दिया जाता है, उसको लिखा जाता है। देखिए मैं बताऊँगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हमारा दोस्त यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर नाम दो मोबाइल है दोस्तों, चार्जर है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, घड़ी भी है। तो सबका नाम दोस्तों लिख कर जमा कर दिया जाता है यहाँ पर इस तरह से। देखिए और भी लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अपना सामान का नाम, देखिए। तो दोस्तों अंदर तो मोबाइल लेकर जाने नहीं देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों दूसरे वीडियो से मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊं दोस्तों, मंदिर का बहुत ही अच्छा व्यू है, उसको दिखाऊं। तो वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों अभी बाहर का व्यू है, मैं अंदर का व्यू मैं अभी दिखाता हूं कुछ ही देर में, थोड़ा देर वेट करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये मंदिर का व्यू है दोस्तों, ये मंदिर का नाइट का व्यू है, रात का। ये देखिए अंदर का दोस्तों व्यू है, मूर्ति बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों बैठे हैं लोग यहाँ पर लाइट, ये देखिए दोस्तों यहाँ का लाइट बदलते रहता है दोस्तों। ये देखिए ऐसे बदलता है इस तरह से। ये देखिए नाइट का व्यू है कैसे लग रहा है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का मंदिर दोस्तों, ऐसा दिखने में लगता है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ऊपर का व्यू है दोस्तों, ऊपर का ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर से। देखिए दोस्तों अंदर जो मूर्ति बनाया है उनका, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से देखने में। देखिए दोस्तों स्वामी नारायण का मूर्ति है यहाँ, ये जानवर का भी मूर्ति बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों राम जी का भी मूर्ति यहाँ पर है, कृष्ण जी का भी है। देखिए ये देखिए आरती उतारा जा रहा है यहाँ पर, देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ का लग रहा है। ये देखिए दोस्तों बाहर का व्यू है। तो फ्रेंड मैंने अभी मंदिर से मैं बाहर आ चुका हूँ दोस्तों, मंदिर में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों घूमने में, बहुत ही प्रकार का दोस्तों मूर्ति बनाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो अभी दिल्ली में दोस्तों कभी भी आएँ तो अक्षरधाम मंदिर दोस्तों ज़रूर घूमने आए दोस्तों। आपसे विनती है, निवेदन है कि आप दिल्ली घूमने आएँ तो ज़रूर इस मंदिर में घूमने आए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों हमको घूमने में दोस्तों, बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ का अक्षरधाम का दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर रोज़ यहाँ पर हज़ार से ऊपर यहाँ पर फॉरेगन दोस्तों यहाँ पर विजिट करते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों विदेशी लोग यहाँ पर हज़ारों से ऊपर यहाँ पर आकर घूमते हैं दोस्तों। यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा का यहाँ पर आनंद लेते हैं दोस्तों। तो इस ब्लॉग में इतना ही, आशा करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। ब्लॉग आपको अच्छी लगी कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।